हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ की बुक हनीकॉम का लेसन नंबर सेकंड इक्विप्ट ऑफ चैपल, जिसमें एक मृदु नाम की लड़की की कहानी है और वो अपनी दादी माँ के साथ अपनी चाची के घर, जिनका नाम है रुक्मणी, मिलने जाती हैं। और उसके वहाँ तीन भाई बहन हैं, लाली, रवि और मीना। वो एक बिल्ली के बच्चे पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिसे वो किसी मिस्र के पुराने राजा महाराजाओं के वंशज बताते हैं। तो चलो आज हम देख लेते हैं हमारी स्टोरी में क्या है। नाउ स्टार्ट। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई वित्तापे। मृदु लड़की का नाम है, जो छोटी सी बच्ची है जिसकी स्टोरी है। इज ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की ग्रोइंग अप, जो कि पली बड़ी है इन मद्रास, मद्रास में, नाउ कॉल्ड चेन्नई, जो कि अब क्या है, चेन्नई के नाम से बुलाया जाता है। मृदु नाम की जो युवा बच्ची है वो मद्रास में पली बड़ी है, जो अब चेन्नई है, या जिसका नया नाम अब चेन्नई है। वी तापी हर ग्रांड मदर एंड थाता हर ग्रांड फादर। वी तापी, जो कि क्या है, उसकी ग्रांड मदर, ग्रांड मदर मीन्स दादी माँ, एंड थाता और ग्रांड फादर, थाता जो कि क्या है, उसके दादाजी। तापी जो कि दादी माँ का नाम है, और थाता ग्रांड मदर, ग्रांड फादर को बोला जाता है साउथ इंडिया में। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणी हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, तापी जो कि कौन है, मृदु की दादी माँ, टेक्स लेकर जाते हैं हर उसे टू हर आंट रुक्मणी, उसकी चाची रुक्मणी के घर, टू मीट, मिलने के लिए, हर कजन्स, उसके चचेरे भाई बहन लाली, रवि और मीना। उसके चचेरे भाई बहन जिनका नाम है लाली, रवि और मीना, उनके घर उन्हें मिलाने के लिए लेकर जाती है। कौन लेके जाती है, मृदु की जो दादी माँ है वो लेके जाते हैं। अब ये तो हमने स्टोरी के बारे में देख लिया है, आगे हम पढ़ते हैं लेसन में कि हमारे स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए रुक्मणी, रुक्मणी कौन है, मृदु की चाची, थ्रू ओपन, खोलते हैं द डोर, दरवाजा। मुस्कुराते हुए जो रुक्मणी की चाची हैं वो दरवाजा खोलते हैं। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना कौन है, मृदु के भाई बहन, चचेरे भाई बहन है। वो रश्ड आउट मीन्स दौड़कर बाहर आते हैं। एंड और रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि क्या है, पुल्ड, खींच कर ले जाता है मृदु को इनटू द हाउस, अपने घर के अंदर। और रवि जो मृदु का भाई है उसे खींच कर अपने घर में ले जाता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, वेट, रुको, लेट मी टेक ऑफ, मुझे उतारने दो, माई स्लीपर्स, मेरी चप्पल, रुको, मुझे मेरी चप्पल उतारने दो। प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध करना, मृदु ने विरोध किया। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने सेट देम उन्हें रखा आउट, बाहर ही, नीटली, सही तरीके से, नियर, पास में ही, ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। ए पेयर मीन्स जोड़ा, एक जोड़ा जो कि लार्ज ब्लैक वंस, बड़े चप्पलों का, बड़ी काली चप्पलों का, एक जोड़ा जो वहां बड़ी काली चप्पलों का पड़ा था, उनके पास में उसने अपनी चप्पलों को सुव्यवस्थित तरीके से उतारा। दोज आर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, दो जो कि वर थी ग्रे मिस मटमेली हो चुकी थी एक्चुअली वास्तव में, विद डस्ट धूल से, जो कि वास्तव में धूल से मटमेली हो चुकी थी। यू सी द क्लियर, तुम स्पष्ट देख सकते थे, मार्क्स चिन्ह ऑफ एवरी टॉय, प्रत्येक उंगली का, ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ इच स्लीपर, प्रत्येक चप्पल के फ्रंट पार्ट मिस, फ्रंट पार्ट मिस, आगे के भाग पर, दोनों चप्पलों के आगे के भाग पर तुम उंगलियों के निशान जो है साफ स्पष्ट तरीके से देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉय वर लॉन्ग एंड स्कर्वनी। द मार्क्स, निशान, फॉर द टू बिग टॉयज, दो बड़ी उंगलियों के जो निशान थे, वर लॉन्ग, लंबे, एंड और स्क्वेरी मीनिंग पतले दुबले, जो बड़ी उंगलियों के आगे की जो दो बड़ी उंगलियों के निशान थे वो लंबे और पतली दुबली उंगलियों के निशान लग रहे थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट
whose slippers they were. मृदु did not नहीं have much time और अधिक समय मिला to wonder आश्चर्यचकित होने का about बारे में किसकी स्लीपर चप्पल थी देवर जो कि वहां थी. मृदु को यह सोचने में या यह पता करने में ज्यादा आश्चर्य करने का समय नहीं मिला कि ये चप्पल जो बाहर पड़ी थी ये किसकी थी. बिकॉज क्योंकि रवि ड्रैग्ड हिम रवि घसीट कर ले गया था हर उसे टू द बैकयार्ड आंगन में रवि उसे आंगन में घसीट कर ले गया था. बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश बिहाइंड पीछे ए थिक बड़ी सारी बिटर बेरी बुश बड़ी सारी जंगली झाड़ी के पीछे. देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लिंड विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. देयर यहाँ इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल इनसाइड इसके अंदर इसके किसके अंदर जिस झाड़ी के पास रवि उसे लेके गया था मृदु को दिखाने के लिए कुछ उस झाड़ी के अंदर ए टॉर्न एक फटी हुई फुटबॉल लिंड पड़ी हुई थी विद साथ सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड बहुत ही बुरी हालत में जो कि क्या है मिट्टी से भरी हुई थी. ले ए वेरी स्मॉल किटन उस पे क्या हुआ लेटा हुआ था. ले मीन्स लेटा हुआ था. ए वेरी स्मॉल किटन किटन क्या होता है बिल्ली का बच्चा उसके ऊपर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था. लैपिंग अप मीन्स पी रहा था मिल्क दूध फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल्फ. कोकोनट मीन्स नारियल की हाफ शेल्फ मीन्स आधे खोल में हाफ शेल आधा खोल नारियल के आधे खोल में जो थोड़ा बहुत दूध पड़ा हुआ था उसमें से वह बच्चा दूध पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. वी फाउंड हमें मिला था यह या हमने इसे पाया था आउटसाइड बाहर द गेट दरवाजे के दिस मॉर्निंग इसी सुबह और हमें यह इसी सुबह या आज की सुबह दरवाजे के बाहर मिला था. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग. ही वॉज म्यूइंग वह बार बार म्याऊ म्याऊ कर रहा था अर्थात बहुत ही मार्मिक आवाज में बोल रहा था. पुअर थिंग बहुत ही कमजोर आवाज में क्योंकि वो बहुत ही कमजोर था वह बहुत ही मार्मिक आवाज में म्याऊ म्याऊ की आवाज में बोल रहा था. सेड मीना इट्स ए सीक्रेट. मीना ने कहा कि यह एक रहस्य है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पद्म मामास हाउस इफ ही नोज वी हैव ए कैट. इट्स सीक्रेट यह एक रहस्य है यह बात मीना ने कही. अम्मा सेज अम्मा कहती है पाती विल लीव पाती यहाँ पाती एक रिश्ते का नाम है. दादी को तमिल भाषा में पाती कहते हैं जैसे किसने यहाँ लेसन में आपके पास बता रखा है पाती ग्रैंड मदर को दादी को तमिल भाषा में पाती नाम से बुलाया जाता है या रिश्ते को पाती से बुलाते हैं जैसे हम लोग दादी माँ कहते हैं वैसे वो लोग अपनी दादी माँ को पाती बुलाते हैं. विल लीव फॉर अवर पदु मामास हाउस अम्मा कहती है कि पाती दादी माँ जो है विल लीव छोड़ देंगी फॉर अवर पदु मामास हाउस हमारे पदु मामा का घर इफ यदि शी नोज वी हैव ए कोट वी हैव ए कैट सॉरी She knows यदि वह जानती है या उन्हें पता लगता है कि we have a cat हमारे पास एक बिल्ली है अर्थात हमने एक बिल्ली पाल रखी है. अम्मा कहती है कि हमारी जो दादी माँ है वो इस घर को छोड़कर चली जाएंगी अगर उन्हें पता लगता है कि हमारे पास एक बिल्ली है अर्थात हमने एक बिल्ली पाल रखी है. People are always telling us to be kind to animals. People लोगों को आर वी ऑलवेज हमेशा टेलिंग कहते हैं अस हमें टू बी काइंड दयालु रहने के लिए टू एनिमल्स जानवरों के प्रति. लोग हमेशा ही हमें ज्ञान देते रहते हैं अर्थात कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति क्या रहना चाहिए दयालु. लोग हमें हमेशा ही अक्सर कहते रहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए. हम वास्तव में वो करते हैं तो द स्क्रीम वे चिल्लाते हैं. स्क्रीम मीने चिल्लाना तो वे वास्तव में चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि. ओ अरे डो नॉट नहीं ब्रिंग लाओ दैट डर्टी क्रिएचर डर्टी गंदे क्रिएचर मीन्स जीव हियर यहाँ सेड रवि. रवि ने कहा अरे यहाँ पर इस तरह के गंदे जीव मत लाओ. डू यू नो हाउ हार्ड It is just to get a little milk from the kitten. Do you know? क्या तुम जानते हो how hard कितना मुश्किल है it is just अभी के लिए to get प्राप्त करना या लाना
लिटल एक थोड़ा सा मिल्क दूध फ्रॉम द किचन, रसोई घर से। क्या तुम जानती हो कि अभी जो रसोई घर से मुझे दूध लाना था बिल्ली के बच्चे के लिए, वो कितना मुश्किल काम था। पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती, पाती कौन है? उसकी दादी माँ। रवि की, रवि की नहीं सॉरी, यहाँ बात कर रही है मीना, मीना की बात हो रही है, रवि तो चला गया है। पाती कह रही है कि दादी माँ सॉरी मीना कह रही है कि पाती जो कि कौन है, उसकी दादी माँ है, उन्होंने सामी देख लिया था मुझे विद ए ग्लास, एक ग्लास के साथ इन माई हैंड, मेरे हाथ में जो था जस्ट नाउ अभी। पाती जो कि मीना की दादी माँ है, उन्होंने मेरे हाथ में ग्लास को अभी देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उन्हें कह दिया कि मैं बहुत ही हंग्री मीन्स भूखी हूँ, या मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहती हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन वो मुझे जिस तरीके से, द वे जिस तरीके से, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैन। बट द वे जिस तरीके से, द वे मैंने जिस तरीके से शी लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा मोस्ट ऑफ इट, इसमें से अधिकांश। थ्रो हर, उनके ध्यान को स्कैंट मीन्स भटकाने के लिए, उनके ध्यान को भटकाने के लिए मुझे इसमें से अधिकांश को पीना पड़ा, उन्हें जताने के लिए कि मुझे भूख लगी है इसलिए मैं ये लेके जा रहा हूँ, ना कि बिल्ली के बच्चे के लिए लेके जा रहा हूँ। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। पाती, पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। देन तभी शी वॉन्टेड, वह, अब वह कौन है? उनकी दादी पाती, यहाँ बता रखे है ना ऊपर तमिल के अंदर, मीना की दादी माँ है वो। वांटेड चाहती है द टम्बलर बैग, टम्बलर मीन्स गिलास को, टम्बलर मीन्स गिलास को, बैग वापिस। और जो उसकी दादी माँ है वो चाहती है कि मेरे दूध पीने के बाद वो गिलास वापिस ले जाए ताकि उसे धोकर रख सके। तो वो आगे से कहती है पाती, पाती दादी माँ, दादी माँ आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं ही धो दूंगी। सफाई देते हुए कहती है वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, वाई शुड क्यों आई मैं पुट डालूं यू तुम्हें टू ट्रबल, मुश्किल में, और इतनी छोटी सी बात के लिए मैं तुम्हें मुश्किल में क्यों डालूं। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें कहा या मैंने उन्हें बताया। आई हैड टू रन एंड पॉर, आई हैड टू रन, मैं दौड़ कर गया, एंड और पॉर मीन्स उड़ेला, मैं वहां दौड़ कर गई और मैंने उसे उड़ेला मिल्क दूध को इनटू द कोकोनट शेल, नारियल की खोल में। एंड और देन तभी रन बैक, वापस दौड़ कर गया, एंड और वॉश थोई द टम्बलर मीन्स गिलास को, एंड पुट इट, इसे रख दिया बैक वापस बिफोर, पहले शी गॉट रियली सस्पिशियस, जिस उससे पहले कि शी, वह कौन, उसकी दादी माँ गॉट रियली वास्तव में सस्पिशियस, कोई संदेह करती या उस पर कोई शंका जताती, इससे पहले ही उसने क्या किया, उस गिलास को धोया और वहां रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, नाउ अब वी हैव टू थिंक, हमें सोचना चाहिए ऑफ सम अदर वे, कोई दूसरा तरीका टू फीड, खिलाने का महेंद्रन। महेंद्रन यहाँ, महेंद्रन कौन है? महेंद्रन यहाँ है बिल्ली का बच्चा किटन, उसका नाम इन्होंने रख रखा है महेंद्रन। अब वो फिर से मीना बात करती है महेंद्रन के बारे में, बिल्ली के बच्चे के बारे में, कह रही है कि हमें इसे खिलाने का कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए। महेंद्रन कौन? महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन, ये जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा है इसका नाम है महेंद्रन। मृदु वाज इंटरेस्ट, मृदु थोड़ा प्रभावित हुई या आश्चर्यचकित हुई, यह भी कह सकते हैं हम यहाँ। इट वॉज ए रियल नेम, यह एक वास्तविक नाम जैसा है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, प्यारी सी बिल्ली के नाम जैसा, यह तो वास्तव में एक वास्तविक नाम जैसा लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन, महेंद्र वर्मा पलवा पुनाई। एक्चुअली वास्तव में हिज फुल नेम, इसका पूरा नाम है महेंद्रन वर्मा पलवा पुनाई, इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पलवा पुनाई है। इसने लंबा चौड़ा नाम रख रखा है छोटी सी बिल्ली के बच्चे का। और आगे कहती है कि एम पी पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, और यदि तुम चाहो तो इसे एम पी पुनाई भी कह सकती हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट,
यह है एक फाइन ब्रीड, बहुत ही अच्छी ब्रीड मीन्स प्रजाति का ऑफ कैट बिल्ली। यह बिल्लियों में से एक बहुत ही अच्छी प्रजाति की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बाल जो छोटे छोटे इसके रोई हैं, इनको तो देखो लाइक ए लोयन लोयन मैन। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पलवा किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। लाइक ए लॉयन मैन, एक शेर के बच्चे की तरह, एक शेर की तरह। एंड यू नो, तुम जानते हो, व्हाट द एम्ब्लेम, एम्ब्लेम मीन्स प्रतीक, ऑफ द एंशिएंट प्राचीन पलवा किंग्स, पलवा के राजाओं का वास था। क्या तुम जानती हो कि पलवा के राजाओं का प्राचीन जो प्रतीक था वो क्या था? डोंट यू? क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने आशा भरी निगाहों से या आशापूर्ण तरीके से मृदु की तरफ देखा। मृदु गीगल, गीगल मीन्स खीखी करते हुए, हंसते हुए। मृदु थोड़ा हंसते हुए कहती है कि थिंक आई एम जोकिंग, मैं सोचती हूँ कि मैं मजाक कर रही हूँ। वेल जस्ट वेट, लेकिन अभी के लिए थोड़ा रुको। आई विल शो यू सम टाइम, मैं ये तुम्हें कभी फिर कभी दिखाऊंगी। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। इट्स क्लियर, यह स्पष्ट करता है कि यू डू नॉट, तुम नहीं नो, जानती हो, ए थिंग, एक भी चीज या कुछ भी अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। तुम्हारी यह बात स्पष्ट करती है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। He said mysteriously, उसने एक रहस्यपूर्ण तरीके से कहा। mysteriously means रहस्यपूर्ण तरीके से। Well, when our class went to Mahabalipuram, when जब our class, हमारी कक्षा went गई थी to Mahabalipuram, Mahabalipuram, अच्छा जब हमारी कक्षा Mahabalipuram गई थी तो I saw a statue of his Thathas, 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 etc., etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. अब यहाँ वो उसके बारे में वर्णन करते हुए बताती है इतिहास के बारे में जो उसने देखा। Well, अच्छा। Well, अच्छा, when जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो ऐसा स्टेचू, स्टेचू मीन्स एक मूर्ति, मैंने एक मूर्ति देखी थी ऑफिस थाता उसके दादाजी की, अर्थात यहाँ थाथा से आशय है वंशजों की, किसके वंशज, जो ऊपर पलवा राजाओं की बात आ रही है, उनके वंशजों की बात आ रही है कि उनके दादा दादा और उनके और दादाओं की, सबके बहुत सारे उसने स्टेचूज देखे थे, मूर्तियां देखी थी और एटसेट्रा एटसेट्रा और बहुत सारी चीजें देखी थी। फैक्ट इस तथ्य के बारे में, महेंद्रन हियर इज डिस्केंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट गेट। और महेंद्रन, महेंद्रन जो कि है, महेंद्रन कौन कौन है? महेंद्रन वो जो ऊपर बिल्ली के बच्चे के बारे में बात आई है, इसने बताया है कि बिल्ली का बच्चा जिसका नाम महेंद्रन है उसके बारे में बात करिए कि जो महेंद्रन है वो हेयर जो कि यहाँ है इस डिस्केंडेंट, डिस्केंडेंट मीन्स वंशज है, फ्रॉम से दैट वेरी सेम एंशिएंट किट, उन प्राचीन बिल्लियों का। यहाँ जो अपने घर पे महेंद्रन है ये सेम उन्हीं प्राचीन बिल्लियों का वंशज है, अर्थात ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह उनका वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव, एक बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ, तकनीकी रूप से, ऑफ वन अदर देन द लोयन, और अन्य शेरों की तुलना में, वह अन्य शेरों की तुलना में उनका एक बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार प्रतीत हो रहा था। द पलवा लोयन, पलवा शेरों का एम्ब्लम, प्रतीक ऑफ द पलवा डेनेस्टी, जो पलवा डेनेस्टी मीन्स वंश, द पल्लव लोयन, पल्लव जो शेर है, एम्ब्लम प्रतीक ऑफ द पल्लव डेनेस्टी वंश, पल्लव शेर है जो पल्लव वंश के प्रतीक माने जाते हैं। रवि वेंट ऑन, तभी रवि वहां से गुजरता है, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस कड़वी बेर वाली जंगली झाड़ी के पास है। तभी रवि वहां उस जंगली बेर वाली झाड़ी के पास से गुजरता है, वीविंग ए ट्विंग अप एंड डाउन, वीविंग वेव मीन्स लहराना, ऊपर नीचे हिलाते हुए, ए ट्विंग एक टहनी को अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे।
तभी रवि जो है वहां एक हाथ में टहनी लिए उसे ऊपर नीचे हिलाते उस झाड़ी के पास से गुजरता है। His eyes sparking, sparkling, उसकी आंखें हैं जो चमक रही है। This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. This cat, यह बिल्ली, this cat, यह बिल्ली, a descendant, वंशज अर्थात उत्तराधिकारी कह दो या वंशज कह दो, एक ही चीज है। This cat is a descendant, उत्तराधिकारी है अर्थात वंशज है, of none other, किसी अन्य देन द महाबलीपुरम, महाबलीपुरम की ऋषि केट जो उनकी ऋषि बिल्लियां हैं उनके। वो ऐसा मानना है या ऐसा लगता है इस बिल्ली को देखकर कि ये जो हमारे घर पे महेंद्रन है वो महाबलीपुरम की जो ऋषि केट ऋषि बिल्लियां हैं उनके वंशज अर्थात उत्तराधिकारियों में से एक ही है, इनके अलावा कोई और नहीं है। नन ऑफ आई मे जस्ट रिमेन यू इसकी एंड इफ यदि आई मे जस्ट रिमाइंड यू, यदि आई मे मैं जस्ट अभी तक रिमाइंड यू तुम्हें फिर से याद करवाती हूँ कि दे वर्शिप्ड भी पूजे जाते हैं कैट्स बिल्लियां इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट मीन्स मिश्र में, और ये जो बिल्लियां हैं ये मिश्र के अंदर पूजी जाती है अर्थात एक देवी के रूप में इन्हें माना जाता है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। हाउ कैसे ही लव, उसे लगाव है द साउंड आवाज से ऑफ हिज ओवन वॉइस, सिर्फ उसी की आवाज से, उसी सिर्फ उसी की आवाज से ही कितना लगाव है, कैसे लगाव है। मीना एंड मृदु, मीना और मृदु ने एक्सचेंज लुक्स, अपना अपने आप को पलट कर देखा, यहाँ एक्सचेंज का मतलब है पलट कर देखना। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। What does that, यहाँ क्या है, have to do, करने के लिए, with anything, कुछ भी, यहाँ कुछ भी करने के लिए क्या है, मृदु ने मांग की। हो आई एम टेलिंग यू दैट कैट इज descended फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड नो गॉडेस बास्टेड क्या दैट्स इट। हो आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यह जो बिल्ली है दिस कैट, यह जो बिल्ली है descended वंशज है फ्रॉम द इजिप्शियन मिश्र की कैट गॉड देवी बिल्लियों का। मैं तुम्हें यहाँ बता रही हूँ कि यहाँ जो बिल्ली है यह मिस्र की देवी बिल्लियों की वंशज है, न गोडेस ना की एक देवी बेस्टेट, जो कि क्या है एक बेस्टेट, एक ऐसी देवी जिसका शरीर तो औरत जैसा होता है लेकिन उसका सिर जो होता है वो बिल्ली जैसा दिखता है अर्थात बिल्ली के रूप में एक देवी के रूप में उन्हें माना जाता है या दैट्स इट, हाँ यह सही है। सो इसलिए वेल वन ऑफ द डिस्केंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज स्टोवावे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स एंड हिज डिस्केंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वेल अच्छा, वन ऑफ द डिस्केंडेंट्स, इनमें से एक वंशज, डिस्केंडेंट्स मीन्स वन ऑफ द डिस्केंडेंट्स ऑफ दैट गॉडेस, डिस्केंडेंट्स मीन वन ऑफ, एक descendants वंशज of that goddess, goddess देवी बिल्लियों का वाजिस स्टोवावे means बिना टिकट का यात्री, इस है वन ऑफ द पल्लव ships, पल्लव जहाज का। अच्छा यहाँ ऐसा है कि जो देवी बिल्लियों में से एक बिल्ली है वो क्या है, बिना टिकट की यात्री है पल्लव जहाज की। एंड हिज डिस्केंडेंट वाजे महाबलीपुरम ऋषि केट, जो कि क्या है महाबलीपुरम के ऋषि केट की डिस्केंडेंट वंशज है। हुज डिस्केंडेंट इज, किसकी डिस्केंडेंट इज, इज मिस है वंशज, किसके वंशज है, रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विन एंड महेंद्रन। रवि फ्लोरिस्ट मैंने एकदम खराब तरीके से अव्यवस्थित तरीके से हिज ट्विन अपनी टहनी को हिलाते हुए एंड महेंद्रन महेंद्रन की तरफ, रवि जो है उस छड़ी को महेंद्रन की तरफ फटकारते हुए कहता है कि किसके वंशज है, एमपी पुनाई हियर, एमपी पुनाई जो कि यहाँ है। ओपेक हिस्ट्री, ओपेक एक आवाज निकालता है, कौन ये जो रवि है वो मस्ती करते हुए घूम रहा है वो एक आवाज निकालता है, ओपेक हिस्ट्री वह चिल्लाया या चीखा, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ और उसके सामने थोड़ा सा झुकते हुए निकला या खुश होते हुए, उसे देखकर खुश होते हुए वहां से निकला।
महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्र ने या महेंद्रन जो कि कौन था, बिल्ली का बच्चा था, उसने उठकर देखा, अलार्म उससे जाग गया। जो किसने, रवि ने एक कलाकारी की चीख की, हुपेक आवाज की और जोर से चीखा, तो उसकी चीख से महेंद्रन जो था बिल्ली का बच्चा वहां सो रहा था वह जाग गया, उठ गया और देखने लगा। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. He had just been sharpening, sharpening means तीखे कर रहा था his claws अपने पंजे on the edge किनारे पर of the coconut shell नारियल के खोल पर, और अब वह नारियल के खोल पर अपने पंजों को तीखा कर रहा था। But worse than Ravi's awful hopek was a creech. But लेकिन worse तुलना में then रवर्जन तुलना में रवि की अवैफुल होपेक, अवैफुल मीन्स बहुत ही जोर की भयंकर, होपेक एक चीख आवाज वाजी क्रीच उसकी कानों में बजी थी। लेकिन उसकी जो रवि की एक चीख थी जो उसके कानों में बजी थी उसकी तुलना में वह कहीं कम था। फ्रॉम द विंडो खिड़की से, व्हाट ए वाइड साउंड, फिर से एक दोबारा वाइड में झनझनाने वाली एक अजीब सी आवाज आई। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, इससे मृदु ने फिर से, मृदु स्टार्टल्ड मीन्स अचंभित हुई या मृदु ने अचंभा किया। एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड, और एमपी पुनाई या एमपी पुनाई वही बिल्ली के बच्चे की बात हो रही है, वो क्या था, फ्राइटेंड भयभीत था, आउट ऑफ हिज विट्स अपनी उस हरकत से। और बिल्ली का बच्चा जो था वो रवि के बार बार चीखने से, उनकी उस आवाजों से भयभीत था। Here standing on end, here उसके बाल standing खड़े हो गए थे, and miss अंत सिरे तक, अर्थात उसने अपने रोई खड़े कर लिए थे। He bounced up, वह ऊपर उठते जा रहे थे लगातार, and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out the dry. He bounced up, वह लगातार ऊपर उठ रहा था, and or scurried towards, scurried मैंने भयभीत होकर, towards की तरफ, a bamboo tray, एक बांस की ट्रे ऑफ रेड चिलीज, लाल मिर्ची की, दैट जो कि हैड बीन सेट आउट, बाहर रखी हुई थी टू ड्राई, सूखने के लिए। और वह वहां से भयभीत होकर एक बांस की ट्रे जिसमें क्या है, लाल मिर्ची को सूखने के लिए रखा हुआ था, उसकी तरफ चला गया। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, ट्राइंग कोशिश कर रहा था, हाइड नीचे, बीनीथ मैंने छुपने की, इट इसके, हाइड मीन्स छुपना, सॉरी, बिनीत मैंने नीचे, और वह इसके नीचे, किसके नीचे, जो बंबू की एक ट्रे थी जिसके ऊपर लाल मिर्ची को सूखने के लिए डाला हुआ था, इसके नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज, ही टिप्ड मैंने उसने अपने ऊपर डाल लिया था, ए फ्यू चिलीज कुछ मिर्चियों को, ओवर हिमसेल्फ स्वयं के ऊपर, मियाऊ आवाज करते हुए, अर्थात बिल्ली के बच्चे की आवाज है, उसने मियाऊ मियाऊ की आवाज करते हुए उन मिर्चियों को अपने ऊपर डाल लिया था। He hollowed miserably. He hollowed means भयभीत था, miserably दयनीय तरीके से, बुरी तरीके से, और वह इन सब चीजों से बुरी तरीके से भयभीत था। तो इसके आगे का वीडियो हम, आगे का लेसन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी जो बचा हुआ लेसन है पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना, बाय बाय।